Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे. मैं भी अच्छी हूँ. और आज मैं आपको अपना रिसेंटली परचेज्ड ग्रीन बैंगल दिखाऊंगी, क्योंकि सावन आने वाला है. तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ. आप लोग भी चाहे तो इस तरह का बैंगल खरीद सकते हैं अपने लिए. तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी. लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो चलिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन से बैंगल परचेज़ किए हैं. ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रीन कलर की बैंगल है, डार्क ग्रीन कलर की बैंगल है. और इसमें ये गोल्डन कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं. आप नज़दीक से इसको देख लीजिए. और काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है ये कंगन. ये चार पीस का एक सेट है और ये मुझे 120 रुपीज़ की चार पीस आई है. और इसी कलर का मैंने एक और ख़रीदा है, पर उसका पैटर्न और डिज़ाइन दोनों अलग है. ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह का है. आप दोनों में अंतर देख लीजिए कि दोनों में अंतर. ये भी मैंने 120 रुपीज़ का फोर पीस ख़रीदा है. आप दोनों में अंतर देखिए कि दोनों में क्या अंतर है. इसमें इस तरह से स्टोन्स लगाए गए हैं. और इसमें देखिए, इसमें ग्रीन और गोल्डन कलर दोनों कलर का स्टोन्स लगाया गया है. और इसके साथ साथ मैंने कुछ सिंपल ग्रीन कलर की भी चूड़ियाँ परचेज़ की है. और ये जो भी बैंगल है, ये सभी कांच की बैंगल्स है. ये देखिए फ्रेंड्स, ये पैरेट ग्रीन कलर का बैंगल है. और ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने इसे ख़रीदा था. और ये ज़्यादा महंगी नहीं है. ये शायद मुझे 70 रुपीज़ का एक डब्बा आया था. 24 पीस है. और इसके साथ साथ मैंने एक और डार्क ग्रीन कलर का बैंगल खरीदा है, वो भी 24 पीस है. ये देखिए दोस्तों, ये डार्क ग्रीन और गोल्डन कलर की है. तो कैसी लगी मेरी बैंगल्स, आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शंस में.